करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ माइटिका जैनम जी टैबलेट्स के बारे में कम्प्लीट रिव्यू करूँगी। जो लोग माइटिका टैबलेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट में देखे हुए, क्योंकि मैं इस वीडियो में कम्प्लीट रिव्यू देने जा रही हूँ माइटिका टैबलेट्स के बारे में। माइटिका 10 mg की स्ट्रेंथ में ही मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ठीक है जी। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुँच रही है। तो वे स्टार्ट करते हैं माइटिका 10 mg टैबलेट्स के रिव्यू। माइटिका 10 mg टैबलेट्स में जो कंपोजिशन पाई जाती है उसका नाम है मॉन्टिलिकास सोडियम। मॉन्टिलिकास सोडियम 10 mg की स्ट्रेंथ पे इसमें पाया जाता है। इसकी पैकिंग की बात कर लें तो इसके एक पैक में 14 टैबलेट्स होती हैं, यानी 14 टैबलेट्स होती हैं, जिसकी प्राइस है 365 रुपये, जो किसी भी फार्मेसी से, किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये हिल्टन फार्मा कंपनी की प्रोडक्ट है। हिल्टन जो कि एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसके इसकी बहुत सी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं पहले भी आपको रिव्यू दे चुकी हूँ। तो बहुत अच्छी कंपनी है। मॉन्टिलिकास्ट सोडियम कंपोजिशन के साथ बहुत सी कंपनीज जो हैं वो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, लेकिन सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हिल्टन के हैं। तो इसलिए मैं इसके बारे में आपके साथ रिव्यू कर रही हूँ माइटिका टैबलेट्स। माइटिका टैबलेट्स में मॉन्टिलिकास्ट सोडियम पाया जाता है जी। बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको किन कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर मॉन्टिलिकास्ट या माइटिका टैबलेट्स जो हैं ये हर तरह की एलर्जी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी तब्दीली की वजह से होने वाली एलर्जी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सांस की नालियों में होने वाली एलर्जी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको दमा के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एस्थमा के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसको सांस की नालियों की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। सांस की नाली में आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। सांस की नाली में सोजिश हो जाए इसको तब भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एलर्जी की वजह से होने वाली खांसी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बात करें तो इसको सीओपीडी जो है ये भी एक ऐसी बीमारी, इसको कहा जाता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि सांस की नालियों की बीमारी है, उसमें इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। दमा के पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मेडिकेशन है। डॉक्टर्स इसको दमा के पेशेंट्स में सांस की नालियों की प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स में होती हैं बहुत ज़्यादा, उसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसको एलर्जी की ट्रीटमेंट में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। खांसी वगैरह जब दमा में आपको बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, ये वो उसको भी बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल करती है। दमा में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को खांसी रहती है तो इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। व्यूवर्स, बात कर लेते हैं कि इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो व्यूवर्स, बेस्ट इसको इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आप इसको नाइट टाइम में इस्तेमाल करें, रात को सोते वक्त, क्योंकि रात को सोते वक्त एस्थमा के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रात को सांस की प्रॉब्लम्स होने के। तो इसलिए इसको रात के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसको एस्थमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको रोज़ाना दिन में एक मिनट में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर्स, बात कर लें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो व्यूवर्स, मॉन्टिलिकास्ट टैबलेट्स या माइटिका टैबलेट्स के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया, दस्त वगैरह हो सकते हैं, स्टमक पेन हो सकती है, फीवर वगैरह हो सकते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, कफ वगैरह ज़्यादा हो सकता है, या हेडेक यानी सर में दर्द हो सकता है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थे। तो व्यूवर्स, इसे तमाम इन्फॉर्मेशन मॉन्टिलिकास्ट यानी माइटिका टैबलेट्स के बारे में, व्यूवर्स अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जी हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।